इसका फेस जब इससे नहीं मिल रहा था, ये कर रही थी नॉइस। ट्रेनिंग का आपका हो जाएगा सत्यानाश। और गाड़ी के ओनर भी आराम से बैठे हैं हमारे गंदे से सोफों पे। मलाई हो गई है पहले की तरह, देखिए कितनी बढ़िया चल रही है, कोई आवाज नहीं है। ये आवाज है जो इरिटेट कर रही है भैया की वजह से आज ये सबसे अच्छी वीडियो बनने वाली है। वेलकम टू विक्टोर ऑटोमोटिव। गाड़ी आई है सियाज और गाड़ी के ओनर हैं, काफी दूर से आए हैं भाई, बुलंदशहर से। तो एक बार मैं भैया को माइक दूंगा और बुलंदशहर से यहाँ पे इतनी दूर आने का कारण भी पूछते हैं, क्या कारण है, क्या इतनी दूर में कोई गाड़ी ठीक करने वाला नहीं था। एक स्टेयरिंग की दिक्कत है इसमें, जो आमतौर पे ज़्यादातर डेली कोई ना कोई गाड़ी आती आती हैं, किसी किसी दिन तीन तीन चार चार गाड़ियाँ भी आती हैं। तो भैया पहले तो ये बताइए, आप यूट्यूब के थ्रू आए ना? जी भैया, मैं राकेश भैया का मैंने यूट्यूब पे देखा स्टीयरिंग का काम, कॉलम का, दो चार कस्टमर का उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। तो मुझे भी वही प्रॉब्लम थी जो जैसे डॉक्टर होता है ना, वो बता रहा है क्या वो खांसी है क्या है, तो उसी तरीके से उन्होंने समझाया, तो मेरे में ही वही प्रॉब्लम थी। तो मैंने भैया से बात की, भैया से आज सुबह बात की, भैया मैं आ रहा हूँ। भैया कह रहे आप कितने बजे आ जाओ, आपका काम ज़रूर होगा और आप आ जाइए। ये है, ये एक्चुअली क्या है, स्टीयरिंग टकरा रहा कवर से, जो ये आवाज आ रही है। ये जिसने भी टेक्नीशियन ने भाई ने खोला है, उसने कवर सही से नहीं बैठाया है। और एक बार गाड़ी चला आप देखते हैं। अब इसके आगे जो स्टीयरिंग के अंदर जो आवाज है वो सुनाऊंगा मैं आप लोगों को। ये आवाज है जो इरिटेट कर रही है। बाकी सस्पेंशन में कोई आवाज़ नहीं है गाड़ी में, बाकी साइलेंट है गाड़ी। और इसके अलावा कोई छिटर मुटर कोई आवाज़ होगी तो वो इस आवाज़ के बाद ही पता लग पाएगी, अदरवाइज पता नहीं लग पाएगी। सस्पेंशन के अंदर ऐसी कोई आवाज़ नहीं है। इधर हमने सियाज को स्टेयरिंग को खोलना शुरू कर दिया है और कॉलम को निकालेंगे बाहर। बाहर निकालने के बाद देखते हैं गाड़ी इसके अंदर क्या क्या निकलने वाला है। जो खटखट फटखट की आवाज़ थी वो उसमें क्या निकलेगा, एंड जो टाइट है उसको तो ठीक करेंगे ही करेंगे। तीसरा एक चीज़ है जो कवर के अंदर टकरा रही थी, मैं एक बार कवर दिखा देता हूँ आप लोगों को। जब तक ये खोल रहा है मैं गाड़ी के जा रहा हूँ दूसरी साइड से। और भाई कवर पे निशान बने हुए हैं नहीं बने हुए हैं वो भी देखते हैं। तो ये है इसका कवर, और इधर तो नहीं दिख रहे, इसका दूसरी साइड का देखता हूं मैं एक मिनट। इस पे अभी एक्चुअली क्या है, या तो कुछ टाइम पहले ही इस पे निशान तो अभी नहीं दिख रहे हैं, इस वाले पे भी निशान नहीं दिख रहे हैं, या तो इन्होंने थोड़े टाइम पहले ही किसी टेक्नीशियन को दिखाया होगा और ये कुछ टाइम से ही रगड़ रहा होगा दो चार दिन से। भैया कितने दिन पहले खुलवाई थी? दो हफ्ते हो गए, हाँ 15 दिन पहले खुलवाई थी। तो अभी इस पे कवर पे तो इतने निशान नहीं है, मैं एक बार व्हील को देख लेता हूँ, व्हील पे कोई निशान बने हुए नहीं बने हुए? तो भाई व्हील पे भी कोई निशान नहीं बने हुए हैं, आप देख सकते हो नीचे से व्हील पे टकराने के भी कोई निशान नहीं बने हैं। जो लास्ट टाइम में हमने जो क्रेटा का किया था ना, क्रेटा पे निशान बने हुए थे अच्छे खासे, वो ऐसे काफ़ी रगड़ रहा था, बट रगड़ ये भी उतना ही रहा है। इस पे अभी तक निशान कुछ आए नहीं है और कॉलम हमारा बस बाहर आने ही वाला है। जैसे ही बाहर आएगा तो इसको ले जाएंगे ऑपरेशन थिएटर में, और ऑपरेशन थिएटर में ले जाके इसका करेंगे ऑपरेशन। ऑपरेशन में इसके पेट में कितना दर्द है, पेंडेक्स का दर्द है इसको, या भाई सारा आपको दिखाएंगे चीरफाड़ करके इसकी। और भाई स्टीयरिंग आ गया है हमारा इंजन रूम में, और गाड़ी के ओनर भी आराम से बैठे हैं हमारे गंदे से सोफों पे। देखिए कस्टमर ना कितना एडजस्ट कर लेता है, आज हम भी यहीं बैठ के मजे लेंगे। देखिए दोस्तों मैं अभी जो दिखा रहा हूँ ना आपको, सबसे मेन चीज़ जो है इसके अंदर है कैलिब्रेशन की, एंड हमारे को सबसे बड़ी ध्यान रखना पड़ता है। इसको खोलना तो आसान है बट इसको फिट करना उतना ही मुश्किल है।
सबसे बड़ी बात होती है इसके अंदर कैलिब्रेशन। तो कैलिब्रेशन अगर इसकी हुई आउट तो स्टेरिंग का आपका हो जाएगा सत्यानाश। एक्चुअली अगर हल्की सी भी कैलिब्रेशन आउट हुई तो हमारा जो कॉलम है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा, ख़राब हो जाता है और काफ़ी मुश्किल होता है इसको दोबारा से रीफिट करना। और इसमें बहुत बड़ा गणित भी नहीं है अगर देखा जाए तो, बट थोड़ा सा ध्यान दे के और इसके टेक्निक्स वाली बात है बस। तो अभी इसकी पहले सबसे पहले हमने कहाँ पे इसको लॉक करके और खोलना होता है सारी वो चीज़ें हम सेट करते हैं, उसके बाद ही स्टीयरिंग को खोलते हैं। ये हमने इसको निकाल दिया है बाहर और अब निकालेंगे पिनियन को। ये देखिए भाई, ये पिनियन में ग्रीस कर दिया है भाई ने जिसने भी काम किया है, और ठीक होने का जरा सा भी नाम नहीं। बैरिंग खराब, ये जाम हो रहा है यहाँ पे, देखो ये जाम हो रहा है। ये देखिए आप, ये पकड़ लिया, जाम हो रहा है ये। अब इसके अंदर का ये बैरिंग खराब है, ये जाम हो रहा है। इस वाले को भी चेक कर, पीछे वाले को। तो भाई जो हमारे बैरिंग ख़राब थे ना, ये वाला जो हमारा पुराना बैरिंग है, एक्चुअली हमने तीनों बैरिंग इसके अंदर मंगा लिए हैं और ये जो नए बैरिंग आए हैं ये आप देख सकते हो, इसके अंदर बिल्कुल भी रड़क नहीं है। एंड ये वाले जो बैरिंग है, ये नीचे वाला जो, इसमें भी हल्की सी रड़क है। एक बार ये गाड़ी के जो ओनर हैं इनको भी चेक कराते हैं, कहीं वीडियो में चीटिंग वीटिंग तो नहीं कर देते हैं। आज एक्चुअल में क्या है ना, अंदर ही बैठे हैं और देखो एडजस्ट कर रहे हैं कस्टमर। हम अच्छे भूंडे, कैसे भी अच्छे भूंडे, मतलब कि कुछ लोगों को भूंडा चीज़ समझ नहीं आएगी। एक्चुअली ये हमारी हरियाणी में भाषा का शब्द है भाई, और अच्छा मतलब साफ और गंदा, भूंडा मतलब बोल देते हैं गंदे गंदी चीज़ को। तो ये सोफे आप देख सकते हो, इस पर थोड़ा सा मैल भी जमा हुआ है, तो ड्राइक्लिंग करनी चाहिए हालाँकि, और इसी पर हम खाना बैठ के खाते हैं, स्टाफ बैठ के खाता है। तो बैरिंग में जो रड़क थी, रड़क चेक करी आपने, है ना? तो ये हम तीनों बैरिंग इसके चेंज कर रहे हैं। और एक बार वो दिखा दे भाई, वो फोर्क कहाँ गई? अच्छा, पुरानी बैरिंग निकाल के ला रहे हैं। तो एक बार मैं बाहर चलता हूँ और लैथ पे एक बार इसको, सॉरी प्रेस मशीन से उसके बैरिंग निकाल रहे हैं, बैरिंग निकाल के। और इसको जो है, इसके जो दांते घिस गए थे इसको हमने किया है ठीक। ठीक करने के बाद और एक बार मैं चलता हूँ बाहर जहाँ पे इसके फोर्क के बैरिंग हम निकाल रहे हैं। तो भाई वीडियो में एक्चुअली थोड़ी सी डिटेल्स में इसलिए दिखा रहा हूँ, मैं कई बार बोल देता हूँ पूरी डिटेल्स में दिखा रहे हैं और फिर किसी काम में घुस जाते हैं, और लड़के जैसी भी रिकॉर्ड करते हैं वैसी। एक बार लाइट जला दे भाई यहाँ की। तो अभी जो ये फोर्क से जो बैरिंग है वो निकाल रहे हैं प्रेस मशीन की सहायता से, एंड इससे हो जाता है हमारा काफ़ी आसान काम। जो काम मुश्किल होता है वो बड़े इजीली इससे, और ये निकल गई है। चलो अब पलटा मार दे इस पे भाई। चलो भाई एक बैरिंग ये निकल गया है, ये दूसरा निकाल ले। चल चल गया गया। और ये हमारे दोनों बैरिंग निकल चुके हैं। तो भाई फोर्क भी साफ कर ली है, और ये हमने जो स्टेरिंग की रोड है ये भी हमने साफ़ कर ली है, और उसके ऊपर आप देख रहे हो जो प्लास्टिक की गिरारी है, एक बार प्लास्टिक की गिरारी प्रमोद इसके ऊपर लगाइयो। ये एक्चुअली देखिए, ये फोर्क इसके साथ में ऐसे रगड़ के चलती है, और जब ऐसे रगड़ के चलती है ना, अभी तो इसको क्या है, हमने देखो इसको ठीक कर दिया है, नहीं तो एक्चुअल में क्या है, ये चलते चलते ये हो जाती है भाई ख़राब।
इसका फेस जब इससे नहीं मिल रहा था, ये कर रही थी नॉइस, ये इस पर प्रॉपर तरीके से नहीं घूम पा रही थी। एंड उसके साथ साथ जो इसके ये बैरिंग थे, ये एंड एक पीछे वाला जो बैरिंग है ये वाला, ठीक है, ये बैरिंग तीनों हमने कर दिए चेंज। तो अब इसके बाद हम करेंगे इस पर ग्रीस, और ग्रीस करने के बाद इसको फिटमेंट दोबारा से किया जाएगा। और सबसे बड़ी जो कलाकारी है इसका खोलते और फिटिंग करते टाइम की ही है। तो अभी इसमें करेंगे ग्रीस। और अब ये देखिए फोर्क है, फोर्क इसके अंदर बैठेगी, बैठने के बाद तब उस पर काम करेगी। एक बार ग्रीस लगा के इसको करो भाई, फिटिंग करो। और भाई रिपीट अगेन एक बार, भैया की वजह से आज ये सबसे अच्छी वीडियो बनने वाली है मेरे हिसाब से। अभी तक जो हमने वीडियो बनाई है ना, उसमें थोड़ा सा आलस किया है। एक्चुअली मैं तो आज पहली बार इस इंजन रूम में आके वीडियो बनवा रहा हूँ, नहीं तो मूलचंद कमाल संभालता है और बहुत अच्छे से संभालता है भाई। इसमें कर देंगे अब ग्रीस। एक्चुअली देखो कई बार वीडियो में भी पूछते हैं भाई ग्रीस कौन सा लगाएं, ये कई बार कमेंट्स में आता है ग्रीस कौन सा लगाएं। तो एक तो आता है कैलिपर्स वाला रेड कलर का ग्रीस, ये है स्पेशल ग्रीस, ठीक है, ये अलग से मंगाते हैं और इसको लगाते हैं। हालांकि कोई और नॉर्मल ग्रीस भी लगा सकते हो, बट नॉर्मल ग्रीस में क्या है उतना स्मूथलेस नहीं चलेगा जितना स्मूथ ये चल रहा है। ये ग्रीस काफ़ी पतला होता है, ये ग्रीस के तरह मतलब एक लुब्रिकेंट का ही काम करता है, बस मोटा ग्रीस नहीं है, ये बिल्कुल पतला ग्रीस है। तो आप इसमें जितना भी पतले से पतला ग्रीस लगा सकते हो उतना पतला ग्रीस लगाइए, तब जाके स्टेयरिंग हमारा थोड़ा स्मूथ चलेगा। ये प्रीमियम ग्रीस है, इसको हम स्पेशल ग्रीस बोल लेते हैं हमना। तो भाई अभी इसमें ग्रीस लगा के एंड इसको अभी हम करेंगे फिट। इसको ऐसे हल्की हल्की चोट से इसको वापसी ठोक देंगे। एक्चुअली देखिए इसमें भी ठोकने में क्या है, आपकी फोर्क और गिरारी ये प्रॉपर तरीके से बैठनी चाहिए, कहीं पे भी अटकनी नहीं चाहिए, जो इसके साथ जो घूमनी चाहिए गिरारी बिल्कुल स्मूथ घूमनी चाहिए। अगर ये लग गई टेढ़ी तब भी ये खराब हो जाएगी। तो भाई अभी फोर्क को इसमें बैठाया है और फोर्क और रोड का जो कॉम्बिनेशन है इसको सही तालमेल बैठना भी ज़रूरी है, जैसे आप देख सकते हो। तो इसके अंदर जो ये घूमता है, अगर ये टेढ़ा बैठ जाएगा तो आपकी सारी गिरारी को ये ख़राब कर सकता है। तो इसको भी सही से बैठाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसके ये सारे दांते हैं जो ये सारे कट जाएंगे और पूरे स्टेयरिंग कॉलम का हो जाएगा सत्यानाश, बच जाएगी बैंड। तो ये भी आराम से देख के ध्यान से बैठाओ, और इससे भी बड़ा खेल इससे नेक्स्ट वाला है। तो भाई अभी हम कर रहे हैं इसकी आवाज़ चेक, तो स्टीयरिंग कॉलम का यहीं पे पता लग जाता है कि कितनी आवाज़ कर रहा है, कितना लूज़ है, कितना टाइट है। पूरी सेटिंग यहीं से करके इसको बैठाएंगे, उसके बाद इसको करेंगे कंप्लीट फिट, और फिट करने के बाद गाड़ी में फिट कर देंगे। तो अभी करेंगे भाई स्टीयरिंग को फिट और स्टीयरिंग कॉलम में लग जाते हैं लगभग 3 घंटे का टाइम रिपेयर करने में। जो भी भाई गाड़ी को ठीक कराने आए तो कम से कम 3-3.5 घंटे का टाइम निकाल के आए, इतना टाइम लगता ही लगता है इसके अंदर। तो भाई सियाज का स्टीयरिंग कॉलम हमने फिट कर दिया, और फिट करने के बाद जो चलाया ना, एक अलग नॉइस और दिखा रहा हूँ आपको मैं, ये देखिए आप, ये देखिए, ये जो क्रॉस में ना, रोड में जो क्रॉस है, ये क्रॉस के अंदर आवाज है। तो एक बार अब हमने क्रॉस को भी खोल के चेक करना है, जो ऊपर की हमारी जो कॉलम की जो आवाज़ है वह बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, जो खस खस वाली जो आवाज़ थी और जो अंदर से आ रही थी आवाज़ वो सारी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अंदर का जो क्रॉस है, अब क्रॉस से आवाज़ आ रही है। नो अभी एक बार स्टीयरिंग कॉलम को दोबारा खोलेंगे
और क्रॉस को एक्चुअल क्या है, वैसे तो चेंज करना बनता है, लेकिन अभी रात के लगभग 8 बज गए हैं और क्रॉस को हम एक बार थोड़ा सा चोट मार के उसको टाइट करेंगे और देखते हैं आवाज़ जा पाती है नहीं जा पाती। तो फिलहाल एक बार पहले इसको खोल के बाहर निकाल रहे हैं। तो भाई हमने कॉलम खोल लिया है, जो ये है एक्चुअली रैक में, ये इसके रैक में आवाज़ है, ये इसके है रैक में आवाज़, ना कि क्रॉस में। मैं एक बार क्रॉस भी चेक करवा देता हूँ। ये वाला प्रमोद, ये वाला क्रॉस दिखाना, फोन देख सकते हो, क्रॉस में बिल्कुल भी प्ले नहीं है। एक्चुअली हम सोच रहे थे पहले या तो हमने जो कॉलम को फिट किया है अंदर का जो डंपर नट है वो लूज़ रह गया है, बट वो भी ठीक है। एंड ये जो वाले क्रॉस है, क्रॉस भी बिल्कुल ओके है। जो आवाज़ आ रही है वो आ रही है स्टीयरिंग रैक से, और आवाज़ जिस टाइप की थी लग रहा था भाई कॉलम खोला है तो कॉलम में ही आवाज़ ना हो, बट ये है रैक के अंदर आवाज़। तो अभी इसको करेंगे फिट, क्योंकि गाड़ी आई है काफ़ी दूर से, ये बुलंदशहर से ना, बुलंदशहर से गाड़ी आई है। एंड रात के 8:30 बज चुके हैं, अभी वापसी इसको लगाएंगे कॉलम को। मैं एक बार कॉलम दिखा देता हूँ आप लोगों को। एंड ये है हमारा स्टीयरिंग कॉलम, एक बार इसको चेक करा भाई, चेक कराओ एक बार। जो कॉलम के अंदर आवाज़ है वो आवाज़ नहीं है। एक्चुअली हमारे को लगा जब हमने इसको कसा था तो यहाँ पे हो सकता है चिकनट को लूज़ रह गया हो, तो वो नहीं है। तो भाई हमारी गाड़ी हो गई फाइनल और हम जा रहे हैं एक बार ट्राई पे। तो गाड़ी के ओनर जो हैं गाड़ी चला रहे हैं और मैं उनके साथ में बैठूँगा, और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरे को अभी लगानी पड़ेगी मोबाइल की टॉर्च, जलानी पड़ेगी। स्टीयरिंग हो गई है बिल्कुल ठीक इस टाइम पर, और जो थोड़ी सी आवाज़ है वो नीचे कॉलम की आवाज़ है जो भैया बता रहे हैं, तो वो कॉलम की आवाज़ हो जाएगी ठीक, वो बाद में करा लेंगे, अभी टाइम बहुत हो गया, नहीं तो वो भी करा लेते हैं हम ठीक। अच्छा, है ये बताइए इतनी दूर आप आए हो तो सर्विस कैसी लगी आपको? बढ़िया बढ़िया सर्विस लगी सर, सब लोग बड़े मेहनती हैं, काम किया सब लोगों ने। और स्टीयरिंग में कैसा फील आ रहा है? स्टीयरिंग में तो भैया बिल्कुल अब मलाई हो गई है पहले की तरह, देखिए कितनी बढ़िया चल रही है, कोई आवाज़ नहीं है किसी भी तरीके की। जो ऐसा लग रहा था जैसे कवर से टकरा रहा हो? नहीं नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है, एकदम बढ़िया 5-star रेटिंग है सर आपको। थैंक यू। तो अच्छा, कोई और कस्टमर को अगर अपना स्टीयरिंग कॉलम का काम कराना हो तो बिल्कुल बिल्कुल आप इनके पास आइए, टाइम लेके आइए, बिल्कुल टाइम लेके आइए। मैं थोड़ा दोपहर में आया, मैंने गलती करी है, टाइम लेके आइए आप लोग। एक्चुअली ये आए थे लगभग 4 बजे के आसपास, और काम भी कई सारे निकले थे तो टाइम लग जाता है बिल्कुल। तो मुड़ लेते हैं यहाँ से, हाँ हाँ यहाँ से घुमा लो। तो भाई गाड़ी होगी है हमारी एकदम गुड टू गो। तो वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक कर दीजिए, एंड आपको लग रहा है भाई आपको रेगुलर ऐसी ही वीडियो मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।